जब भी हम जल्दी में होते हैं और इस फॉइल को बाहर खींचते हैं तो ये रोल निकल के बाहर गिर जाता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हर एल्यूमिनियम फॉइल के डब्बे में साइड में इस तरीके से दो खांचे बने होते हैं। इन दोनों को अंदर फोल्ड कर दीजिए, ये आपके रोल को पकड़ के रखेंगे। अब आप अपना फॉइल किसी भी तरीके से खींचेगा, आपका रोल निकल के बाहर नहीं गिरेगा। चिप्स का पैकेट। वैसे तो ये पैकेट जब भी खुलता है तो इसके अंदर कुछ बचता नहीं है, मगर अगर इसमें कुछ बच जाए तो हम क्या करें। पहले पैकेट को दबा के इस तरीके से उसकी सारी हवा बाहर निकाल दें। अब दिखाए गए तरीके से दो फोल्ड करें। अब पैकेट को पलट दीजिए और इस तरीके से छोटे छोटे फोल्ड करना शुरू करिए। जब पहले वाले फोल्ड की लाइंस आपको इस तरीके से दिखें, तब आप रुक सकते हैं। और अब इन दोनों को इस तरीके से खींच के पलटा दें। पढ़ लीजिए, आपका मिनी चिप्स का पैकेट तैयार है। ये हैक सफर के लिए आइडियल है। अब अगली बार अगर आपके चिप्स बचेंगे तो आपका बैग या पर्स गंदा नहीं होगा। एंजॉय। दाल और चावल को कीड़ों से बचाने के लिए एक आसान और नेचुरल तरीका ये है कि हम इसमें 3 से 4 नीम की पत्तियां डाल दें। इस तरीके से मिक्स कर लें और आपके दाल और चावल में कीड़े नहीं आएंगे। मिक्सी के ब्लेड्स को शार्प या पैना करना हो तो महीने में एक बार इस तरीके से एक कटोरी नमक इसमें डाल दें और करीबन 1 से 2 मिनट के लिए चला लें। इससे आपके ब्लेड्स हमेशा नए जैसे शार्प और पैने रहेंगे। गर्मियों में चींटियां बहुत ही ज्यादा दुखी करती हैं, तो आप इस तरीके से अपने चीनी के डब्बे में 3 से 4 लौंग डाल दें। अगर इसमें पहले से चींटियां आ गई हैं, तो ढक्कन को थोड़ी देर खुला छोड़ दें, चींटियां अपने आप चली जाएंगी। लौंग इतनी ज्यादा कारगर है कि मैंने अपने बड़े वाले आटे के डिब्बे में भी लौंग डाल दी है। अब चींटियां उसके आसपास भी नहीं आती। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहूंगी। तो एक कटोरी में हमने डाला व्हाइट विनेगर या सिरका। अब इसमें हमने डाला बेकिंग सोडा। ये देखिए कितने बबल्स उठ रहे हैं। अब इस बेकिंग पाउडर को किचन काउंटर पे छिड़क दीजिए। किचन के कपड़े या मॉप पे सिरका डाल दीजिए। अब बहुत ही हल्के हाथों से इसको पोंछ लीजिए और आपका किचन बहुत ही आसानी से साफ हो जाएगा। ये दोनों ही चीजें बहुत ही सस्ती मिलती हैं। एंजॉय। कभी कभी कुकर में प्रेशर नहीं आता है तो 10 मिनट के लिए आप इस रबर को फ्रीजर में रख दीजिए। 10 मिनट बाद आप इस रबर को दोबारा यूज कर सकते हैं। एंजॉय। टमाटर को काटने के लिए इस तरीके से सीरेटेड या दांतदार चाकू का ही इस्तेमाल करें। ये देखिए, इससे टमाटर बहुत ही आसानी से कटता है। आप देख सकते हैं कि जूस भी नहीं निकल रहा है। चाकू की धार तेज करनी हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने कॉफी मग को उल्टा करिए और इस तरीके से चाकू को घुमा दीजिए और आपका चाकू पहले जैसा धारदार हो जाएगा। पास्ता को उबालते समय इसमें किसी भी तरीके का ऑयल या तेल ना डालें, इससे हमारा पास्ता चिकना हो जाता है और इस पे किसी भी तरीके की सॉस कोट नहीं हो पाती है।